इंडियन नंबर वन स्पाइसी टिक्का टिक्के वाला कुलचा छोला 2000 प्लेट्स डेली इंडियन स्ट्रीट फूड। 2000 जी प्लेट सेल करते हैं भाई। और आज एक भाई ने रिकमेंड की थी वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन और करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। ओ भाई साहब और इसके बाद बहुत बढ़िया टेस्ट है, स्पाइसी है, बाकी सब बढ़िया है। बीच में इंडो के नंबर ही नहीं आया। बहुत थोड़ा सा मुझे गाजर में मुझे डाउट लगा। अभी तो भाई साहब ट्रेलर आया, अभी तो फुल मूवी आने वाली, चेक करो यार। ये है मायापुरी के कुलचे छोले जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। अब मतलब मुझे ज्यादा कहने की लोड़ नहीं, अगर आप मायापुरी डालोगे ना तो इनका नाम सबसे पहले आएगा, मायापुरी के कुलचे छोले तड़के वाले। तो भाई साहब मायापुरी में आया स्पेशल बहुत ही कपास आए हैं। पाजी सबसे पहले की पाया बटर है जी, बटर बहुत ही क्वांटिटी में बटर पाया। और ये बने जा रहे मायापुरी के स्पेशल कुलचे छोले। और ये देखो आ गया प्याज। तो पाजी कम करते कितना चिर हो गया? मेरे को तो 20 साल हो गए काम को, तो 60 साल हो गए काम को, ज्यादा साल हो गए थे। तो शुरुआत कितने हुई है जी? शुरुआत मैंने करी है जी। तो आज के बाद टमाटर आ चुके हैं। ये देखो भाई साहब मेकिंग चेक करो यार, ये तो बना के स्टार्ट करा था, घर में करा था टेस्ट, अच्छा लगा फिर मार्केट में निकाल दिया। एक कब की बात है? मेरे को 22 साल हो गए, 22 साल से लगा लो कितना टाइम हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया। तो पहले रेडी लगा देते हैं। हाँ जी रेडी है। और ये देखो स्वाद के अनुसार नमक आ चुका है, और ये देखिए मिर्च, और ये देखो गरम मसाला, और ये देखो बनाने का स्टाइल बहुत ही अल्टीमेट। ये तो पहले से काम जमा हुआ था, ये तो नया लुक निकाला था छोले कुलचे का। तो भाजी ये कसूरी मेथी आ गई है जी, और ये देखो बहुत ही क्वालिटी में यहाँ पर बनने जा रहे हैं कुलचे छोले। सिंपल कुलचे तो आपने बतेरे खाए होंगे, पर ये रहने वाले तड़के वाले कुलचे छोले। छोले पे भी मिलता है, कुलचे को पीछे भी छोले आ चुके हैं। भाई कितने छोले थे ये? काबली छोले थे। काबली छोले उबाला जाता है? हाँ जी सामने टक्कर पे। भाई छोलों में पानी क्यों ऐड करें? अदरक है, मसाले का पानी है ये। अच्छा ये सिंपल पानी है, मतलब अदरक का पानी है। क्या बात है, खाने हाँ भाई कितना लग गए अभी कितने लग गए? पहले आया था जब केले के खड़े होकर डराते थे, दोबारा आया भैया ने दुकान ले ली है। अच्छा क्या बात है, काबली छोले है। और चेक करो यार क्वांटिटी, चेक करो यार बहुत ही मेरे। तो ये देखो बनने से पहले ही ऑर्डर आ रहे हैं लोगों के, और ये देखो पूरा तवा तैयार हो रहा है छोलों का, चेक कीजिए यार। ओ वाही साहब लिटरली यार, मतलब खुशबू जो आ रही है आप कैमरे में बयान नहीं कर सकता यार, छोलों का तड़का बिल्कुल। अभी कुलचों का तड़का लगना बाकी है। और मिस्टर सिंह फूड एक्सपर्ट मेरे साथ है। भाई साहब ये दिल्ली के अंदर ऐसे कुलचे बेच रहे हैं जो मार्केट में बिल्कुल अलग है, ये तड़के वाले छोले होते हैं और तड़के वाले इनके कुलचे होते हैं। तो मैं कहता हूँ इनके जो कुलचे है ना, छोले ना हो ना, वो भी खा सकते हो, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि कुलचे में इनके तड़के वाले तो भाजी लगभग भाई आपसे ये बताने की मैं तरह के अलग होते हैं। और ये देखो कसूरी मेथी कैसे आ गई, मतलब
और भाजी जो खुशबू आ रही ना बड़ी शानदार आ रही है और ये मेरे पास ऐसा होता है कि आपके कैमरे रहे आप खुशबू भेजता जरूर भेजता यार ये तड़का लग गया उसके बाद आएगी बारी तड़का लग रही कुछ होगी लोगों ने पहले ही ऑर्डर कर दिया कि मेरे 5 प्लेट इसके 3 प्लेट इसके 4 प्लेट क्या बात है दिख रहा है भाजी बनने से पहले मतलब ऑर्डर लग चुका है लोगों का भाई ऐसे की कहा सुन लगे ना लक्की आ रही टेस्ट है जी देखो लोगों की स्माइल से पता चल रहा है कि लोग कितने खुश हैं इनके कुलचे छोलों से कुलचे तैयार होने की बस वेट कर रहे हैं ये देखो भाई साहब भूखो क्वांटिटी में प्याज आ चुके हैं बटर के बाद ओ यार अब मिल रही ये पेट लेना भाई और प्याज में कोई कमी नहीं है क्वांटिटी चेक करो यार ये देखो टमाटर प्याज टमाटर भाई साहब ये देखो अच्छे से खुद ही कुटे हुए मसाले हैं मिर्ची भी हाथ की कुटी हुई है बाहर की नहीं है बाजार की तो गरम मसाले में क्या कर रहता है सारे मसाले होते हैं मिर्च जैसे ए टू जेड जितने मसाले होते हैं गरम तो भाई साहब ये देखो लाल मिर्ची और ये देखो इनका गरम मसाला और जो गरम मसाले की खुशबू है ना कुछ अलग ही है और इधर ये देखो दरदरा का पीस हो गया इनका जो मिर्चे छोले ये थोड़ा मसाला दरदरा पीस हो गया तड़के की अच्छे से मिक्सिंग हो रही है मिक्स 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 हो रहा है ओ भाई साहब तो भाई तवा भी स्पेशल बनवाया है तवा वही होता है जो सबके पास होता है अच्छा नॉर्मल ही है अच्छा जैसे पंजाब में चटनी नहीं यूज होती है भाजी इधर आप चटनी नहीं यूज करते छोले में ना चटनी की जरूरत ही नहीं है ये देखो खास सबसे बड़ी चीज तो ये है तड़का दिल्ली में वैसे कुलचे छोले हर हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे पर जो इनके पास मायापुरी वालों के पास मिलने वाले ये तड़के वाले रहने वाले और बहुत स्पेशल रहने वाले हैं छोलों को भी नक से तड़का लगाया जाता है और इसके बाद कुलचों को भी तड़का लगाया जाता है और कसूरी में खानी मतलब आ गई है आ जाओ इधर आ जाओ खानी अब कुलचे आ रहे हैं ये देखो प्रेपरेशन चेक करो अच्छा भाजी तुम्हें धनिया नहीं यूज करते हैं कसूरी मेथी यूज कर रहे हो तो कारण कस्तूरी मेथी है उसमें वो और भी चीज डली हुई है क्या क्या वो है आपके सामने कैमरे में आ रही है ना अभी तो भाई सब ट्रेलर आया अभी तो फुल मूवी आने वाली चेक कर यार थोड़ा सा तड़का इसमें भी और आ गया और पीछे से पैकिंग की तैयारी चल रही है ये चेक करो
भाई साहब ये चेक करो पूरी की पूरी, मतलब दुकान पूरी भरी हुई है, देखो लोगों की खाने वाले की भीड़। पाजी कितना लग गया स्पेशल नंबर पाजी तो आलू बहुत अच्छा है, मुंह में पानी आ रहा है। सबसे पहले प्याज नींबू और ये देखो गाजर और ये देखो छोले आ चुके। इधर वाले पाजी प्लेट बनाने में बिजी है और दूसरे वाले पाजी कुलचे को तड़का लगाने में बिजी है और ये देखो साथ में तड़का लगा के लास्ट में थोड़ा सा तड़का दिया भी जाता है। ये चेक करो आगे का बहुत ही मुशक्कतों के बाद ये देखो हमारी प्लेट लगकर ये देखो तैयार है। गर्मा गर्म प्लेट आ गई हमारे हाथ में, मतलब कम से कम आधा तवा खाली होने के बाद मुझे मेरी प्लेट मिली है। सिंपल कुलचे तो खाए होंगे पर ये तड़के वाले कुलचे और तीन कुलचे दिए जाते हैं 60 रुपए की प्लेट और ये तड़का रहने वाला। और ये गाजर थोड़ा सा मुझे शिकायत लगती थी वो इनकी गाजर है ना थोड़ी सी मतलब क्वालिटी डाउन है, पर देखते बट तो गाजर का चाहते उसमें थोड़ा भी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे इनकी शॉप है और जिस तरह और चीजों का टेस्ट है उस तरह गाजर का चार का टेस्ट नहीं है। और ये देखो छोले तड़के वाले और ये देखो ऐसे ना मतलब क्रीमी क्रीमी से छोले लग रहे हैं एकदम, मतलब क्रीमी क्रीमी वेरी टेस्टी और ये मतलब थोड़ा सा नींबू हमने प्याज के ऊपर डाल लिया है तो थोड़ा सा पहले ना मतलब छोले को टेस्ट करना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कैसे छोले रहने वाले हैं। तो छोलों को ऐसे ऐसे ना मतलब थोड़ा सा क्रीमी पन है और थोड़ा सा बर्फा टाइप छोले बना दिए पर थोड़ा सा मतलब जो इसमें स्पाइसी थोड़ी सी लेवल अप है। तो जगह प्लेट को टुका लिया हमने, थोड़ा सा तड़का ले लिया, ये तड़के में बहुत सारे मसाले और बटर गया है और थोड़ा सा हमने इधर छोलों के साथ इसको ट्राई करने जा रहे हैं। छोले अगर मतलब कुलचों के साथ खाएंगे ना तो स्पाइसी ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने स्पाइसी इसलिए थोड़ा सा ज्यादा डाला है ताकि जब कुलचों के साथ खाओगे ना आपको कुलचे फीके ना लगे। और ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको छोड़कर बाकी जो है बहुत बढ़िया है और जो कुलचों को ग्रेवी के साथ बटर के साथ बैठ के दिया ना उसके कारण जो इसका टेक्सचर है बहुत सॉफ्ट हो गया है। और अगर आप दिल्ली में मायापुरी के और घूम रहे हो और भूख लगी तो इनके पास जरूर आना और ऐसी हम दिल्ली की बढ़िया बढ़िया सीरीज लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदा जिंदा वादा रहे साडा पंजाब ते इंडिया। तो छोले और तड़के थोड़ा सा द्वार से लेना हो तो मिल सकता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका। हम रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम रेगुलर आते रहते हैं खाने के लिए, बहुत बढ़िया टेस्ट है। जी वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब आज ना ये कुलचे वाला भी देखा सिस्टम भाई, हमें तो बड़ा ही अच्छा लगा। एक तो स्पाइसी खाने हम वैसे भी बड़ा शौक से खाते हैं और ये जिस तरह लग रहा था भाई साहब की मेहनत बड़ी थी, टैलेंट है भाई, देसी घी भाई। मौसम साथ में कह रहा था भाई इतने प्याज क्यों डाल रहा है, मैंने कहा मामा उनके पास है प्याज सस्ते हैं, सस्ते हैं उधर हमारे यहाँ भी 200-250 रुपए वो प्याज टमाटर उधर डाल रहा था तो छुरियां इसके दिल पे वैसे चल रही है जैसे इसको घाटा पड़ रहा हो। तो भाई उधर सस्ते 10-15 रुपए किलो मिल जाते हैं तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक यूनिक चीज भी तो बन गई और भाई साहब ने घर से ही ट्राई किया और उन्होंने बना के देखा उनको अच्छा लगा, लोग उंगलियां चाट रहे थे भाई साहब मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जो दूसरा इतना महंगा होता है मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाल है। हां सही बात है, देसी घी इस्तेमाल होता है तभी तो भाई यूनिक होगा, जब मक्खन भाई 2300 रुपए किलो है इधर 2500 के करीब भी है हमारे यहाँ तो 2500 रुपए का एक किलो जो भाई साहब ऐसे उसको गिरा रहे थे ना उसके ऊपर जैसे मतलब के फ्री में ही। तो भाई वो महंगी भी ये भाई साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि ये तो एक प्लेट की कीमत कितनी थी लेकिन जो देखने में भाई साहब उसका टैलेंट ये था कि वो बिल्कुल मतलब नंगी थी वो उसका जो दोस्त का काम है ना भाई और सारे दिन का और फिर सारे दिन का ये नहीं कि एक दो घंटे एक्सपीरियंस है वो जिस तरह घुमाते थे भाई हमारे जैसा बंदा तो एक दफा ऐसे करे तो भाई सारे नीचे पहनते
मुझे थोड़ी सी खुशी फील हुई। अच्छा कहाँ पर? कसूरी मेथी भी थी हमारे पाकिस्तान से गई है भाई। तो ये ऐसे मत करो, ये भाई साहब पाकिस्तान से। हाँ, फेमस है इधर। कसूर की मेथी भाई तो साल्ट तो जो भी पाकिस्तान से जाता है। नहीं, इंडिया में भी खुद वो समंदर को उन्होंने लगा के ना समंदर से साफ करते हैं वो पानी से, समंदर के पानी से वो। हाँ, करते हैं, मैंने देखा। तो भाई साहब ये ना ये कसूरी मेथी जरूर बताइएगा भाई, कसूर से पाकिस्तान वाले कसूर से जाती है या फिर उधर से, मतलब उसका वैसे नाम रखा हुआ है? क्योंकि ये कसूरी मेथी इधर भी बड़ी फेमस है जी। और जो मसाले उन्होंने डाले वो भी भाई उन्होंने अपने हाथों से पीसे हुए थे, तो लज्जत इसीलिए टेस्ट है। सही बात, इसीलिए टेस्ट है भाई हर चीज। और आधे घंटे में वो बनाता है भाई, आधे घंटे में बनाता है। और बनाने से पहले भाई ग्राहक जो है वो ऐसे ऊपर खड़े हुए थे ना लाइन में लगा के, तो भाई एक यूनिक चीज तो बनती है। बिल्कुल। और कॉलेज के लड़के लड़के लड़कियां वो भी भाई खा रहे हैं, नाश्ता भी हो जाता है। और बहुत बढ़िया था भाई, और देखने में स्पाइसी लग रहा था। ये चने जो है वो काबुली चने बोल रहे थे, काबुली चने यानी कि काबुल से आते होंगे फिर ऐसा ही तो अच्छी क्वालिटी। मैं कराची में था ना, गया था भाई, यहाँ के अक्सर चने खाता हूँ ना तो वो इतने मोटे नहीं होते, लेकिन कराची में चने ही भाई साहब जो होटल वो भाई बड़े मोटे 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 चने थे। तो ये जो चने दिखाए गए थे ये इतने मतलब खास मोटे नहीं थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। तो भाई बहुत बढ़िया थी। हमें तो भाई स्पाइसी खाने का वैसे भी बड़ा शौक है, जिसकी वजह से भाई हमारे भी मुंह में पानी आ रहा था। और वो गाजर के जो मेरे घर में अचार था उसके वो नुक्स निकाल रहे थे, वो भी कुछ लोगों का टेस्ट भी अलग होता है। तो अचार तो वैसे ना ज्यादातर किसका अच्छा लगता है? आम का अचार और मिर्चों वाला, हरी मिर्च वाला अचार। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कैसी वीडियो लगी और आपने ये कभी खाया है या नहीं खाया। और ये प्लेट का जरूर बताइएगा कि तकरीबन कितने पैसों में इतनी ऐसी प्लेट मिलती है? अगर हमारे यहाँ होती तो 200-250 की पक्की होती ना, ज्यादा हजार से ऊपर। नहीं नहीं, हजार मक्खन है उसके अंदर भाई साहब। जैसे नहीं नहीं, 250 में तो तारक बिल्कुल नहीं मिलते, 250 में तो चावल नहीं मिलता। नहीं भाई, मक्खन 200 से। चलो 500 कर लो, 500 नहीं करने वाले, मक्खन वाली और इतनी सस्ती ये मुमकिन ही नहीं। चलो भाई जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं मिली के साथ तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।